समझते हैं ये होता क्या है बेटा। इसमें जो है हमारे पास बता रहे हैं कि द फेनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग, टूट जाना, टूट स्प्लिटिंग, अब टूट जाने का फेनोमिना ऑफ हैवी न्यूक्लियस इंटू टू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, यानी कि एक हैवी न्यूक्लियस है, ठीक है, उस देखिए एक हमारे पास एक न्यूक्लियस है, हम इसको मान लेते हैं हमारा एक न्यूक्लियस, ठीक है, हैवी न्यूक्लियस, एंड यू नो न्यूक्लियस इज व्हाट, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, एक हैवी न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, इसका टूट जाना, टूट जाने का मतलब है कि ये दो एलिमेंट्स, या फिर हम कहेंगे इसमें यहाँ पे बात की है ना, जो टू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, यानी यहाँ फ्रेगमेंट्स का मतलब है दो छोटे न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियाई, उनमें टूट जाइए, ठीक है, उनमें ही टूट जाए, ठीक है। एक हैवी न्यूक्लियस का दो स्मॉलर न्यूक्लियाई ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाना न्यूक्लियर फीजन कहलाता है। बहुत सिंपल सी आसान लफ्ज़ों में बात है कि एक बड़े न्यूक्लियस का छोटे दो न्यूक्लियाई में टूट जाना। ये जो बड़ा न्यूक्लियस होता है ये अनस्टेबल होता है, लेकिन यहाँ कोई स्पॉन्टेनियस या नेचुरल फेनोमिना नहीं है न्यूक्लियर फिजन में, जैसे रेडियो एक्टिविटी में होता है कि अपने आप ही खुद ब खुद वो न्यूक्लियस टूट जाता है, उसमें वो टूटता है लेकिन वो कोई नया एलिमेंट बना लेता है, पेरेंट से डॉटर, और अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल प्लस एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन ये यहाँ वो चीज़ नहीं है, यहाँ ये फिजन रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है। कैसे कराया जाता है, ये अपने आप नहीं टूटेगा, दो फ्रेगमेंट्स में इसको तोड़ा जाएगा, और वो तोड़ने का तरीका ये है कि बेटा देखो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, मौजूद हैं पहले से, हम करेंगे क्या, हम एक न्यूट्रॉन लेंगे, छोटा सा पार्टिकल, एक न्यूट्रॉन, एक, अब व्हाट इज़ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जीरो एंड वन, यानी इसका मतलब है जिसका कोई चार्ज नहीं है उसका चार्ज ज़ीरो है, और उसमें उसका जो मास है वो वन है, यानी वो खुद एक न्यूट्रॉन है, ज़ीरो एंड वन। अब एक न्यूट्रॉन पार्टिकल को हम क्या करते हैं, हम इस हैवी न्यूक्लियस से बम्बार्ड करवाते हैं, कोलाइड करवाते हैं, हिट करवाते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि एक कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है उससे एक छोटा ऑब्जेक्ट आके टकरा जाए, तो आपको पता है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जब इससे टकराएगा तो इसको एनर्जी देगा, ऐसा ही डिपेंड करेगा कि वो कितने मोमेंटम से आके उससे टकराया, ठीक है, तो उसको एनर्जी देगा। ये सीधी सी बात है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे से मारते हैं तो जो दो चीज़ आपस में टकराती हैं उनमें टूटने के भी चांसेस होते हैं ना, कि टूट के बिखर जाएं, ठीक है। तो यूँ मान लेंगे कि ये एक न्यूट्रॉन पार्टिकल है, ये आएगा इस न्यूक्लियस से बम्बार्ड होगा, इससे टकराएगा, इसमें एंटर हो जाएगा, यानी इसमें घुस जाएगा ये। जब ये इसमें घुस जाएगा तो बेटा अब होगा क्या, ये न्यूट्रॉन इसमें एंटर होने के बाद इसमें पहले से मौजूद न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी। इसको हम यूँ समझते हैं कि जैसे ये इसमें एंटर हुआ, पहले से मौजूद न्यूट्रॉन की तादाद में इजाफा हो गया, अब जब ये इसमें जाएगा तो ये इसको एनर्जी देगा, जब ये इसको एनर्जी देगा तो एनर्जी की वजह से हम यूँ मान लेते हैं ये इसमें गया, ये इससे टकराया, ये इसके अंदर ही मौजूद रहेगा, जब ये इसमें जाएगा तो इसमें जाने के बाद इस न्यूक्लियस की एनर्जी बढ़ जाएगी, ये चेंज न्यूक्लियस हो जाएगा और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, अब ये टूट जाएगा। अच्छा, इसके टूटने का एक प्रोसेस है, वो ऐसे प्रोसेस है जैसे कि ये न्यूक्लियस था तो इस न्यूट्रॉन के एंटर होने के बाद ये जो न्यूक्लियस है ये टूटने की तरफ बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, तो पहले ये अपनी इस शेप से कुछ ऐसी शेप बना लेगा, यानी कि थोड़ा सा ये एक्सपेंड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये जैसे ये स्फीयर है ना, तो ये थोड़ा खिंच जाएगा, ये थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है, यानी ये यूँ मान लें इसको थोड़ा ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पे एक इस तरह से ये शेप बन जाएगी, इस तरह से यूँ मान लें जैसे ऐसी एक शेप बन जाएगी, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये और ब्रेक होगा, यहाँ से ये पार्ट इसका और रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है,
ये और रिड्यूस होता जाएगा और एक वक्त आएगा कि ये दोनों बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे, बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे ये दोनों, ठीक है, ये इधर हो जाएगा और ये पार्ट इधर चला जाएगा। एक यानी एक प्रोसीजर के तहत चलेगा स्टेप बाय स्टेप। पहले एक न्यूक्लियस में जब एक न्यूट्रॉन एंटर हुआ तो उसमें तब्दीली आई, उसके मास में चेंज आया, उसकी एनर्जी चेंज हुई, तो उसमें ये तब्दीली आई कि वो टूटने की जाने बढ़ने लगा। अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें ये जो चेंज आया वो इस तरह से आया कि वो एक से दो में तब्दील होने लगा, तो इस तरह से ये टूट जाएगा, ठीक है। और टूटने का तरीका यही है कि जैसे कि ये एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में ब्रेक होगा और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे इस तरह से, तो ये हमारे पास दो फ्रेगमेंट्स या दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर देख लें, एक न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस में एंटर हुआ, उसने उसको एनर्जी दी, उससे उसकी शेप चेंज हुई, ठीक है, वो एक से दो में कन्वर्ट होने लगा, स्टेप बाय स्टेप वो दो पीसीस में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे देखें, ये न्यूक्लियस जो है ये इस तरह कन्वर्ट हो गया दो छोटे न्यूक्लियसेस में, ठीक है। अब फिर इसको देखें, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स विथ एन एवोल्यूशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे दो फ्रेगमेंट्स बनने के साथ साथ एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है, वो भी अभी हम इसको देखते हैं कि एनर्जी किस तरह से रिलीज होती है। अच्छा, पहले तो हमने बहुत आसानी से सिंपल वे में देख लिया कि एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन हम यहाँ पे इसकी देखते हैं, मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो फिजन है ये हम ज़्यादातर जो है वो जिस एलिमेंट में करते हैं या जिसको स्टडी करते हैं वो हमारे पास है यूरेनियम, ठीक है, हमारे पास एक एलिमेंट है यूरेनियम। यूरेनियम जो एलिमेंट है इसका एक आइसोटोप है यूरेनियम 235। जो यूरेनियम हमें मिलता है, ठीक है, जो नेचुरली अकेयरिंग होता है, वो अपने तीन आइसोटोप्स पे कंसिस्ट करता है, जिसमें से जो यूरेनियम 235 है वो उसमें किसी मखसूस क्वान्टिटी में पाया जाता है। मतलब सारा का सारा U-235 नहीं होगा, इसमें U-235 होता है, U-38 होता है, U-34 होता है, तो उसमें ओनली U-35 आइसोटोप ऑफ यूरेनियम जो है वो न्यूक्लियर फीजन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर फीजन है ये जो स्टडी किया या ऑब्जर्व किया गया ये सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम 235 में किया गया या फिर प्लूटोनियम 239 में भी किया गया है, ठीक है। जो एटम बम बनाया जाता है वो यूरेनियम 235 से या प्लूटोनियम 239 से बनाया जाता है, प्लूटोनियम 239 से बनाया जाता है। तो यहाँ जो हम स्टडी करते हैं वो हैवीयर जो हैवी न्यूक्लियस है वो यूरेनियम को स्टडी करते हैं, जिसमें न्यूक्लियर फीजन जो है वो पाया जाता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जब हम इक्वेशन देखते हैं तो बेटा ये देखो ये यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम से हमने बम्बार्ड करवाया एक न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम। जब ये इसमें बम्बार्ड हुआ, इससे आके मिल गया, इसमें एंटर हो गया, तो हुआ क्या, ये यूरेनियम चेंज हो गया और ये यूरेनियम हो गया यूरेनियम 236 और 92। क्यों? क्योंकि 92 का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन की तादाद तो सेम रहेगी, सिर्फ एक न्यूट्रॉन एंटर हुआ तो न्यूट्रॉन 235 से 236 हो गया, ठीक है बेटा। अब ये एक मोर अनस्टेबल और चेंज्ड न्यूक्लियस बन गया, जिस तरह मैंने यहाँ बताया कि देखो ये इसमें एंटर हुआ, एंटर होने के बाद ये चेंज हो गया, चेंज होने के बाद अब ये ब्रेक होने की तरफ बढ़ेगा और ये ब्रेक हो जाएगा, तो यही होगा, अब ये ब्रेक हो जाएगा। अब ये जिन दो फ्रेगमेंट्स में ये स्मॉल न्यूक्लियाई में ब्रेक हुआ वो हमने जो ऑब्जर्व किए वो थे बैरियम प्लस क्रिप्टन, बैरियम प्लस क्रिप्टन, ठीक है। अब बैरियम जो है इसका जो प्रोटॉन नंबर है, एटॉमिक जो मास है वो है इसका 59 लिखा, ये है 56, ठीक है, और इसका जो मास नंबर है वो है 144, ठीक है। इसी तरह क्रिप्टन जो है, क्रिप्टन का जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास, क्रिप्टन जो है ये हमारे पास है 36 और
36 और 89, ठीक है भाई। बैरियम और क्रिप्टन, ये दो स्मॉलर न्यूक्लियाई हमारे पास बने, ठीक है। अच्छे जी, अब देखें ये जो फेनोमेना है भाई, जब हमने एक न्यूट्रॉन को एक न्यूक्लियस से बम्बार्ड करवाया, उसके नतीजे में जो नेचुरली हमें देखने को मिला, जो चीज़ हमें ऑब्टेन हुई, वो बैरियम और क्रिप्टन थे। अब बैरियम और क्रिप्टन के मासेस को जब हम ऐड करके देखते हैं तो भाई 144 प्लस 89 क्या बनता है, 144 प्लस 89 इक्वल्स टू ये बनता है 233। तो अब आप देखें 144 प्लस 89 कितना बना, 233। लेकिन यहाँ देखें ये कितना है, 236। तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता मास कंजर्वेशन के हिसाब से। तो होता क्या है, ये बैलेंस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ये तीन न्यूट्रॉन भी इमिट करता है। दिस इज अ नेचुरल फेनोमेना। क्यों करता है कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये इमिट करता है, ठीक है। अच्छा, क्यों इमिट करा, कोई इसकी हम मतलब कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ हम यूँ कह सकते हैं कि ये इसने सिर्फ अपने आप को बैलेंस करने के लिए तीन न्यूट्रॉन इमिट करे, ठीक है। अब अगर आप इनको कंबाइंड कर लें तो भाई ये तीन न्यूट्रॉन का मतलब है जो तीन की कमी थी वो ये पूरी कर देगा, तो दोनों साइड का जो मास नंबर है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि यूरेनियम को जब भी बम्बार्ड कराओगे न्यूट्रॉन से, तो क्या वो हमेशा बैरियम और क्रिप्टन बनाएगा, ये सवाल है। ये याद रखना, हमेशा वो दो एलिमेंट तो बनाएगा और साथ में मास नंबर को बैलेंस करने के लिए न्यूट्रॉन भी इमिट करेगा, लेकिन ये वो रिएक्शन है जो हमें बुक में पढ़ाया जाता है, ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर बुक्स में यही रिएक्शन होता है। अच्छा, इसमें मैं प्लस क्यू भी कर देता हूँ क्योंकि इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब ये सवाल ये है कि क्या ये हमेशा बैरियम और क्रिप्टन बनाएगा, तो जवाब ये है कि हमेशा ये नहीं बनाएगा, लेकिन मोस्टली यूरेनियम 235 जब बम्बार्ड कराया जाता है तो वो बैरियम और क्रिप्टन बनाता है, क्योंकि जब जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो ज़्यादा से ज़्यादा बार ये एलिमेंट्स बने, ये यूरेनियम इनके अलावा भी दो और फ्रेगमेंट्स में अलग दूसरे फ्रेगमेंट्स में टूट सकता है। मैं उनकी इक्वेशंस भी आपको बताता हूँ, वो इक्वेशन बुक में नहीं है लेकिन मैं वो आपको बता देता हूँ। होती क्या है कि उनमें भी टूट सकता है, लेकिन उनमें टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया वो ये था, लेकिन अब इसकी कोई लॉजिक हमें नहीं मिली, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस अनप्रडिक्टेबल होते हैं। जैसे कि रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कब टूटेगा और कैसे टूटेगा, अल्फा डिकी करेगा या बीटा डिकी करेगा। सिमिलरली जब हम क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे जाते हैं तो वो हमें ये बताता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, ये कभी हमें अपनी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता, समथिंग इज ऑलवेज हिडन। यानी यहाँ बहुत सी बातें अनप्रडिक्टेबल होती हैं जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमें उनका इंतज़ार करना पड़ता है, या फिर हमें उनको कैसे समझना पड़ता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा बार हो रही है हम उसी को मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्यों माना हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड, क्योंकि ज़्यादातर जो यूरेनियम है वो बैरियम और क्रिप्टन में ही टूटा, ठीक है। अच्छा, ये ही नेचर है कि नेचर हमें तमाम राज नहीं बताती, कुछ चीज़ें जो इंसान की पहुंच से दूर हैं और शायद वो आगे हमें पता चल सकें, एज फार एज जैसे जैसे हम अपनी स्टडी को एक लेवल तक लेके जाएं, लेकिन फ़िलहाल हमें इस चीज़ की कोई प्रिडिक्शन नहीं होती, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब यूरेनियम बैरियम क्रिप्टन में टूटेगा और कब वो दूसरे एलिमेंट्स में टूटेगा, ठीक है। सो ये एक मिस्ट्री है टू सॉल्व। अच्छा जी, मैं वो दो इक्वेशंस और लिख देता हूँ कि ये जिसमें टूट सकता है, ठीक है। बच्चों, ये वो दो इक्वेशंस हैं जो हमें कभी न्यूक्लियर फ्यूजन में ये प्रोसेस भी देखने को मिलता है कि यूरेनियम 235 कभी इन दो फ्रैगमेंट्स में भी ब्रेक हो जाता है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एंटीमनी एंड दिस इज़ नियोबियम, दिस इज़ एंटीमनी एंड दिस इज़ नियोबियम, ये भी दो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। अब देखो होता क्या है, अगर आपसे कहा जाए कि देखो एक हैवी न्यूक्लियस से एक बहुत स्मॉलर पार्टिकल टकराया, इसने इसको एनर्जी दी,
और इसको ब्रेक होना है दो हिस्सों में, तो बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों हिस्से बराबर हों। जैसे कि मैंने ये दो पार्ट्स बनाए, हो सकता है कि ये दोनों सेम पार्ट्स में डिवाइड हो, या हो सकता है कि एक पार्ट छोटा हो एक पार्ट बड़ा हो, या हो सकता है एक पार्ट बहुत छोटा हो और एक पार्ट बहुत बड़ा हो, या हो सकता है दोनों पार्ट बराबर हो। ये एक पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि बैरियम और क्रिप्टन है, देखा जाए तो ये भी दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी करीब करीब हैं। जिस तरह अगर इनको देखा जाए 133.99 और 140.94, तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हमारे पास। तो एक एलिमेंट के दो में टूटने के की प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आइदर वो इक्वल साइज़ हो सकते हैं, आइदर वो डिफरेंट साइज़ में हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ यकीनी है कि वो दो ही फ्रैगमेंट्स बनाता है, ठीक है। अब जो हमें एक्सपेरिमेंट से जो फ्रैगमेंट्स मिले हैं, वो ये तीन इक्वेशंस में हमने देखे हैं, जिसमें जो मोस्टली अक्यूरिंग फिनोमिना है न्यूक्लियर फ्यूजन का यूरेनियम के ब्रेक होने से, वो बैरियम क्रिप्टन का है। जो दूसरा मैंने लिखा उसमें क्या, एंटीमनी एंड नियोबियम। तीसरा जो लिखा इसमें क्या है, ये है, ये हमारे पास जो है ज़िनॉन है और स्ट्रॉन्शियम है, ठीक है। ज़िनॉन और स्ट्रॉन्शियम, ये रिएक्शंस भी हमारे पास इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, अब देखो, जब ये एंटीमनी और नियोबियम बनाएगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि अगर हम 133.99 को प्लस करें तो जो सिचुएशन बनेगी वहाँ चार की कमी होगी, तो उसको पूरा करने के लिए चार न्यूट्रॉन बनाएगा। सिमिलरली अगर हम 140 प्लस 94 करें तो जो सिचुएशन बननी है हमारे पास, उसमें दो न्यूट्रॉन की कमी आनी है, और उस सिचुएशन में ये दो न्यूट्रॉन बनाएगा। तो न्यूट्रॉन हमेशा क्यों बनाता है, ताकि इसका जो मास नंबर है वो बैलेंस रहे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या, एनर्जी ये लाजमी बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है, ये बहुत आसान बात है समझने के लिए, हम इससे पहले समझ चुके हैं। आप जानते हैं कि मास डिफेक्ट को, मास डिफेक्ट, ठीक है। मास डिफेक्ट जो होता है वो हमेशा आपको पता है कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब यहाँ रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट का मतलब है कि जैसे कि मिसाल के तौर पे यूरेनियम 236, ठीक है। और प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट हमारे पास बेरियम है और क्रिप्टन है, और जो 0 and 1 यानी कि 3 times का न्यूट्रॉन है। तो बेरियम का जो मास है वो 144 है और ये 89 है। अच्छा, अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि इनके जो मासेस होते हैं ये होल नंबर में नहीं होते, इनमें कुछ फ्रैक्शन फॉर्म्स भी होती हैं। तो एक्सपेरिमेंटली जो डिटेक्ट किया गया वो ये देखा गया कि इनका जो कंबाइंड मास है वो लेस है, और ये जो मास है वो ग्रेटर है। इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, मास डिफेक्ट। और उस मास डिफेक्ट के कारण की वजह से जो एनर्जी मिलती है डेल एम, उसका इक्विवेलेंट जो होता है, आप चाहे तो सी स्क्वायर कर सकते हैं, चाहे तो डेल एम मल्टीप्लाई बाय 931 MeV कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से, अगर डेल एम आपको एटॉमिक मास यूनिट में दिया गया है तो ये तरीका है, अगर केजी में है तो ये तरीका है। तो इस तरह से एक हैवी न्यूक्लियस जब, ठीक है, तो इसमें जो यूरेनियम 236 का जो मास होता है वो ग्रेटर होता है, जबकि प्रोडक्ट में जो तीन चीज़ें हमें मिलती हैं उनका कंबाइंड मास कम होता है। तो जितना मास डिफेक्ट होता है उसके इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज होती है। अब ये बात याद रखना कि मास डिफेक्ट निहायत कम होता है, लेकिन उसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी होती है वो बहुत ह्यूज एनर्जी रिलीज होती है सिर्फ एक बार यूरेनियम के टूटने से। तो अब आप देखें, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे एक रॉड है, ठीक है, ये यूरेनियम 235 की रॉड है। अब इस यूरेनियम 235 में बेटा एक न्यूक्लियस नहीं है, यूरेनियम क्या करोड़ों न्यूक्लियस हैं। लाइक मैंने एक लेयर बनाई, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, मैंने क्या करा, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराया। जब ये इससे बम्बार्ड होगा तो ये एक न्यूक्लियस को तोड़ेगा दो फ्रैगमेंट में, फिर वो जो दो फ्रैगमेंट के साथ मज़ीद तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे।
वो जो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे वो फिर मजीद अंदर मौजूद यूरेनियम से टकराएंगे, उनको तोड़ेंगे, और बेटा ये सिलसिला चलता रहेगा। इसी को कहते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। मैं ये चेन रिएक्शन आपको यहाँ बताता हूँ, इसकी पिक्चर भी मैं इसमें अटैच कर दूँगा, ठीक है। देखें, ये जिस तरह एक न्यूक्लियस में ये न्यूट्रॉन आके टकराया तो ये टूट गया दो एलिमेंट में, साथ साथ इसने 3 न्यूट्रॉन भी बनाए। और फिर क्या हुआ, क्योंकि ये एक पूरा एलिमेंट है, इसमें और भी बहुत सारे यूरेनियम एलिमेंट्स हैं, तो न्यूक्लियस हैं, तो जो आगे मौजूद थे यूरेनियम वाले हमारे पास, क्या हुआ, ये न्यूट्रॉन गया ये इससे टकराया, ये गया इससे टकराया, इसने मज़ीद 2 बनाए, फिर मज़ीद 3 न्यूट्रॉन निकले यहाँ से, इसने मज़ीद 2 एलिमेंट बनाए और यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकले। फिर क्या हुआ, आगे और यूरेनियम थे, लाइन लगी हुई भाई यहाँ, तो फिर क्या हुआ। अब ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम अगर आपके पास है तो उसमें मिलियंस ऑफ न्यूक्लियस हैं, ये एक न्यूक्लियस टूटा है तो उसने 2 एलिमेंट बनाए और मज़ीद 3 न्यूट्रॉन बनाए, वो निकलने वाले 3 न्यूट्रॉन मज़ीद आगे जाके यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ेंगे, तो बेटा ये चेन बन जाएगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने कहा भाई आप एक की मदद करो, ठीक है, और मतलब फिर आगे 3 की मदद करो, उन 3 से बोलो कि वो मज़ीद 3 की मदद करें, हर बंदा 3-3 की मदद करता जाए तो एक चेन बन जाती है, ठीक है। तो बेटा ये एक चेन बन जाएगी, जैसे मिसाल के तौर पे अभी चल रहा है कोरोना वायरस, क्यों कहा जाता है बेटा घर में बैठो, अगर एक बंदे को वायरस होता है तो वो एक बंदा अपने से 10 बंदों को लगा देता है और वो 10 बंदा मज़ीद 10 बंदों को लगाता है, तो आपको पता है कि ये मल्टीपल से मल्टीपल होता जाता है और हम इस चेन को नहीं रोक सकते। जबी तो हमें कहा जा रहा है बेटा घरों में बैठो, क्यों कहा जा रहा है, तो बेटा ये इसीलिए होता है। तो इसी तरह से ये पूरा एक चेन रिएक्शन चलता है और ये चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाता है। जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है देन इट लीड्स टू एटम बॉम्ब। क्यों, एक बार टूटने पे ये बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज करता है, तो बेटा जब ये करोड़ों बार टूटेगा, मिलियंस बार ये रिएक्शन चलेगा और अनकंट्रोल होगा, तो यू कांट इमेजिन कि कितनी मेगावाट एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एनर्जी रिलीज करेगा। दिस लीड्स टू द एटम बॉम्ब, ठीक है। इसका फ़ायदा यह है कि हम इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, इसका नुकसान ये है कि इससे एटम बॉम्ब भी बना सकते हैं। अगर ये कंट्रोल्ड है तो हम इसको पॉजिटिव वे यूटिलाइज कर सकते हैं, और अगर ये अनकंट्रोल्ड है तो ये नेगेटिव इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। चेन रिएक्शन इस तरह बनता है, आपको प्रॉपर मैं डायग्राम इसमें अटैच कर दूंगा जिससे आप देख सकते हैं कि किस तरह ये चेन रिएक्शन बनता है। इसकी डेफिनेशन आपने देख ली, इसकी इक्वेशन आपने देख ली, ठीक है, इसकी वर्किंग वगैरह आपको नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है, और जो इसकी वर्डिंग वगैरह होती है, सॉरी, साथ में ये इसके डिस्क्रिप्शन थी, और ये इसका चेन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब अगर आपने इसको कंट्रोल करना है, टू कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल्ड वी यूज बोरोन या कैडमियम रॉड या मटेरियल। बोरोन और कैडमियम मटेरियल जो होता है ये करता क्या है, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। मिसाल के तौर पे यहाँ 3 न्यूट्रॉन निकले ना, तो 3 में से वो 2 न्यूट्रॉन को वो रॉड एब्जॉर्ब कर लेगी तो बचेगा 1 न्यूट्रॉन, तो आगे जितना बढ़ने से उनको रोका जाएगा न्यूट्रॉन को, जिस तरह आपको जितना घरों में बिठाया जा रहा है तो कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा रहा है, जितना आप घरों से बाहर निकलेंगे वायरस फैलेगा, ऐसा ही है। तो जितना न्यूट्रॉन आगे फैलेंगे तो ये फ्यूजन प्रोसेस चलेगा, तो बेटा यहाँ न्यूट्रॉन को रोका जा रहा है, बोला जा रहा है बेटा घर में बैठो, तो न्यूट्रॉन नहीं बाहर जा रहा, तो हमने क्या करा, हमने कर्फ्यू लगा दिया, और कर्फ्यू का मतलब है हमने बोरोन और कैडमियम की रॉड इंसर्ट कर दी उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। तो क्या हुआ, बोरोन और कैडमियम ने उनको एब्जॉर्ब कर लिया, पकड़ के घर में बिठा दिया, कुछ थे जो बच बचा के निकल गए, लेकिन हुआ क्या, एटलीस्ट रिएक्शन स्लो तो हो गया, कोरोना वायरस का फैलाव तो कम हो गया। तो बेटा यही तरीका होता है किसी अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को तोड़ने के लिए हमें कोई इकदाम उठाने पड़ते हैं, ठीक है। तो याद रखो कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाए तो उसको कोई नहीं रोक सकता, और अगर कंट्रोल करना चाहो तो भी हम इसको बहुत मुश्किल से किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको
पॉजिटिव वे में अभी तक ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर सके, क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, ये एनर्जी तो रिलीज़ करता है, साथ साथ इसमें वो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस भी होती हैं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट जो बनते हैं ये रेडियो एक्टिव भी होते हैं। तो यहाँ तो बेटा एनर्जी की भरमार है, बट रही एनर्जी, लेकिन क्या कि ये एनर्जी हमें यूटिलाइज़ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और अगर इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पर जाएँ तो ये बहुत तबाही मचा सकती है। दुनिया में अब तक 7 ममालिक ने एटम बम बनाया है, जिसमें सबसे लेटेस्ट या सबसे आखिरी तजर्बा जो किया है वो पाकिस्तान ने ही किया है। पाकिस्तान ने तो न्यूक्लियर पावर, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कंट्रीब्यूटेड इन दिस टू मेक पाकिस्तान अ न्यूक्लियर स्टेट। ओके, तो हमारे पास एक बहुत पावरफुल एटम बम है, और जो लेटेस्ट जो उसको हमने एक्सपेरिमेंट किया या उसको आजमाया, वो 1998 में किया था। सो हम जो है, अच्छा याद रखना कि जो एटम बॉम्ब है वो यूरेनियम से बन सकता है या प्लूटोनियम से बन सकता है, और उसका जो मैकेनिज्म है वो न्यूक्लियर फीजन ही है। आई होप कि ये जो प्रोसेस है इसको अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके समझेंगे तो बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, और ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ी सोर्स है एनर्जी के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए, ठीक है। अब इसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक